Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So in the last session we have started the chapter 15 which is air around us, and in that session we have discussed that we can't see air. Air is not visible but we can feel it, that yes, air is around us. When there is a high flow of wind, we feel it with around our ears, around our hands, around our skin. We can feel that air is around us. And in this session we'll discuss the topic 15.1, which is air. Is air present everywhere around us? क्या air हमारे आसपास हर वक्त हर जगह possible है या होती है? तो let's read out this topic. We are at page number 147. Left and right hand side, last paragraph, last topic, sorry. Close your fist. What do you have in it? Nothing. Try the following activity to find it. So, अब क्या है, अगर हम लोग अपनी fist बंद करते हैं, मतलब अपनी मुट्ठी बंद करते हैं, fist मतलब मुट्ठी, तो मुट्ठी अगर हम लोग बंद करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर कुछ है क्या? कुछ है मेरी मुट्ठी में? Nothing is here. ठीक है, तो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम जब अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो उसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है. एक्टिविटी, वी आर एट एक्टिविटी सेकंड, विच इज टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल. इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड इट? ये क्या बोल रहे हैं कि हम एक खाली बॉटल लेंगे, एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी मतलब खाली बॉटल. तो हम एक खाली खुली हुई बॉटल लेंगे जिस पर ढक्कन नहीं हो. सो इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड इट? क्या वो खाली है या उसके अंदर कुछ है? लेट्स फाइंड आउट. टर्न इट अपसाइड डाउन. इज समथिंग इनसाइड इट नाउ? जब हमारी बॉटल सीधी है, खुली हुई है, तो उसके अंदर कुछ है क्या? कुछ नहीं दिख रहा हमें. तो हमने जब उसको उल्टा किया, उल्टा किया मतलब उसका जो ऊपर का ढक्कन वाला पार्ट है उसको नीचे किया, खुली है, नीचे ढक्कन है ही नहीं, तब उसके अंदर क्या कुछ है क्या? आई डोंट थिंक सो कुछ है, हमें नहीं दिखता. आई होप आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि जो खाली बॉटल है, एम्प्टी बॉटल है, उसके अंदर कुछ नहीं है. सो नाउ वी आर एट पेज नंबर 148, लेफ्ट हैंड साइड. नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनसाइड द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर 15.4. फिगर देखिए, उस पर क्या है, जो उल्टी बॉटल थी उनने क्या किया, उसको पानी के अंदर डाला. ठीक है, ऑब्जर्व द बॉटल. डज वाटर एंटर द बॉटल? जब हम उसको उल्टी है, अगर हम उसको पानी के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर पानी भरेगा क्या? इज इट पॉसिबल? ऑब्जर्व द बॉटल. डज वाटर एंटर द बॉटल? जब हम बॉटल को उल्टा करेंगे, ठीक है, पानी के अंदर डालेंगे, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसके अंदर पानी जा पा रहा है बॉटल के अंदर. डज वाटर एंटर द बॉटल? नाउ टिल द बॉटल स्लाइटली. आपको क्या करना है, ये पानी का भरा हुआ है पूरा, ठीक है, आप उसमें क्या कर रहे हो, अपनी बॉटल डाल रहे हो, ठीक है, डाल रहे हो, उसमें पानी भर ही नहीं रहा. आप जैसे ही उसको हल्का सा टेढ़ा करोगे क्या होगा उसमें से, देखो आप इसमें देखिए, जब आप इसमें कर रहे हैं, आपने नीचे डाला, कुछ हो रहा है बॉटल में, पानी जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन जब आपने इसको हल्का सा टिल्ट किया तो क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसमें से बबल्स निकलने लगे. क्यों, अब ये बबल्स क्यों निकल रहे हैं, वॉट इज द रीजन बिहाइंड दीज बबल्स कमिंग आउट? नाउ टिल द बॉटल स्लाइटली. डज द वॉटर नाउ एंटर द बॉटल? सॉरी, डज द वॉटर नाउ एंटर द बॉटल? क्या अब पानी अंदर जा पा रहा है? जैसे ही हमने उसको टेढ़ा किया, उसमें से बबल्स बाहर आने लगे, और क्या करा, अंदर पानी जाने लग गया. डू यू सी सम बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड? आप जब इसको टेढ़ा करोगे तब आप ये देखो कि उसमें से कुछ बबल्स बाहर आ पा रहे हैं, या थोड़ी बबल जैसी साउंड आ रही है आपको, बुट 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 बुट, जो भी हमारा बबल वाला साउंड होता है वो आ पा रहा है. कैन यू नाउ गैस वॉट वॉज द बॉटल? सॉरी, कैन यू नाउ गैस वॉट वॉज इन द बॉटल? क्या अब आप गैस कर पा रहे हैं कि बॉटल के अंदर क्या था? क्योंकि बबल्स जो आ पा रहे हैं, वो बबल्स किसकी वजह से आते हैं? नॉर्मली भी जो बबल्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एयर की वजह से आते हैं, राइट? Yes, you are right. It is air. So we are right. हम ये सोच रहे थे कि उसके अंदर air है, and we are right. That was present in the bottle. The air was present in the bottle. The bottle was not empty at all. Bottle बिल्कुल भी खाली नहीं थी. In fact, it was filled completely with the air even when you turn it upside down. जब हमने
उसको सीधा रखा तब तो समझ में आता है कि उसमें भरी हुई है पानी, सॉरी एयर भरी हुई, लेकिन जब हमने उसे उल्टा किया तो भी ऐसा नहीं कि उसमें से एयर बाहर आ गई, एयर तब भी उसके अंदर ही है. दैट इज वाई यू नोटिस दैट वाटर डजन एंटर द बॉटल वेन इट इज पुश्ड इन इट इन एन इन्वर्टेड पोजिशन. जो इन्वर्टेड पोजिशन थी, जो हमारी ये वाली पोजिशन थी, ये वाली जो हमारी पोजिशन थी, इसके अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पानी अंदर नहीं जा पा रहा. क्यों क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि उस ऑलरेडी उसके अंदर कुछ है, ठीक है, वो उल्टी है, स्टिल उसके अंदर क्या थी, एयर फिल्ड थी. इसे इस जो उल्टा फॉर्म होता है ना, उल्टी पोजिशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पोजिशन. स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड पोजिशन एंड अपराइट पोजिशन, ओके. सो इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन. एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर द एयर टू एस्केप. जब हमने उसे उल्टा किया, बॉटल यूं थी, हमने इसे बॉटल को उल्टा किया और उस पानी में डाला. अब क्या हुआ, नीचे से पानी ने उसे कवर कर रखा है, ऊपर से बॉटल के अंदर एयर भरी हुई है. अब उस एयर को निकलने की जगह ही नहीं मिल पा रही, तो वाटर कैसे अंदर जाएगा, अंदर स्पेस खाली होगा. अब अगर एक रूम है, उसके अंदर हमने सामान भर दिया सारा, ठीक है, तो अब उसमें और सामान नहीं रख पाएंगे जब तक पुराना सामान हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे. सेम वही पैटर्न है कि अगर अंदर से जो एयर है वही बाहर नहीं आ पाएगी, तो वाटर अंदर कैसे जाएगा. As there was no space for the air to escape, when the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. अब क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको बॉटल उल्टी है भरी पावा भरी हुई है, जैसे हमने इसको हल्का सा डाया किया, क्या मिला उसे, स्पेस मिल गया. उस स्पेस से क्या हुआ, एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर आ गई और वाटर अंदर जाने लग गया. एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज एस्केप्ड. टेढ़ा करते ही जैसे ही एयर एस्केप हुई, बाहर आई, वाटर ने क्या किया, अपनी जगह ऑक्यूपाई करनी शुरू कर दी. दिस एक्टिविटी शोज दैट द एयर ऑक्यूपाई स्पेसेस. इस एक्टिविटी से हमें क्या, हमने क्या सीखा इस एक्टिविटी से, कि जो एयर है वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है. ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह है स्पेसिफिक, वहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा तो वहाँ पे एयर नहीं है, बट एयर इज एवरीवेयर. इट फिल्स ऑल द स्पेसेस इन द बॉटल. क्या होता है, इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. बॉटल के अंदर सारी स्पेस फिल हो जाती है. इज इट प्रेजेंट एवरीवेयर, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर हर जगह हमारे आसपास होती है. एयर हैज नो कलर. अंडरलाइन दिस लाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेयर इट इज दैट एयर हैज नो कलर. एयर का कोई कलर ही नहीं होता, ठीक है. This is very important to know that air doesn't have any color. Students, आप प्लीज ये लाइन अंडरलाइन कर लें, दैट एयर हैज नो कलर. हियर इट इज, जस्ट अंडरलाइन दिस लाइन, एयर हैज नो कलर, ओके. एंड नो वन कैन सी थ्रू इट, इट इज ट्रांसपेरेंट. ये दो चीजें हैं, पॉइंट वन पॉइंट टू करके लिख लीजिए. एयर क्या है, ना उसका कोई कलर है, एंड इट इज टोटली ट्रांसपेरेंट. वी कांट सी, वी कैन ओनली फील इट, वी कांट सी एयर, ओके. सो आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमोसफेयर. प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, ये पूरा यहाँ से लेके आप यहाँ तक प्लीज अंडरलाइन कर ले. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ये ऐसी एयर की एक पतली सी लेयर है जो काफ़ी किलोमीटर्स तक, अर्थ के काफ़ी किलोमीटर्स तक अर्थ को कवर करके रखती है ऊपर की साइड. जैसे ये अर्थ है तो काफ़ी किलोमीटर्स तक वो उसको कवर करके रख पा रही है अर्थ को. And this is called atmosphere. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. Rarer मतलब line underline करो. Air get rarer. Rarer मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होती जाती है. Air वाला मतलब oxygen part में काफ़ी ज़्यादा कम होता जाता है, ऊपर it is more denser. Okay? So now you think माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जैसे हम ये देखते हैं ना, ऊपर ऊपर जाते हैं तो हम लोग, जैसे अगर माउंटेन्स में काफ़ी ऊपर तक जाएंगे या
कभी किसी स्पेसिफिक हीट पे जाएंगे तो वो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाने पड़ते हैं. इस पिक्चर में देखिए ये जो माउंटेन जो क्लाइंबर है वो क्या कर रहे हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे इन्होंने रखा हुआ है अपने साथ. ये दिस इज ऑक्सीजन सिलेंडर. ये ऑक्सीजन सिलेंडर वो इसलिए रखते हैं अपने साथ ताकि अगर ऊपर जाएं और उनको सांस में प्रॉब्लम होने लगे या वहाँ पे ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल नहीं हो तो वो ये यूज़ कर सके. सो स्टूडेंट्स, हम ये सेशन यही ओवर करते हैं. इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, एयर के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे. टिल देन प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क. आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू नोट्स. डू इट इन योर कॉपी एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. थैंक यू. टेक केयर.